नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चुनावी घुमक्कड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त हम हैं अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और ये जगदीशपुर का पालपुर इलाका है। देखा जाए तो पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के राधेश्याम चुनाव जीते थे, हालांकि इस बार यहाँ की जो लड़ाई है त्रिकोणीय मानी जा रही है। अगर बात की जाए मुद्दों की तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि सवाल वही है कि पिछले 5 सालों में क्या इस इलाके की तस्वीर बदल पाई है या नहीं बदल पाई है, ये यहाँ की जनता बताएगी। लोगों से बात करते हैं, ये बताइए पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है इस इलाके में? काम हमारे विधायक ने किया है, जो भी निधि उनकी मिली है उन्होंने अपना काम किया। कि सरकार की बात जहाँ तक है, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा तीसरे महीने चार चार महीने पाँच पाँच छः छः महीने मिट्टी तेल दिया जा रहा है, ब्लैक कर लिया जा रहा है और हर बोरे में जो भी 50 किलो का आता है उसमें 45 किलो और 43 किलो दिया जा रहा है, जो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी रोड की बात करें, इन चीजों पर कितना काम हुआ है? बिल्कुल काम नहीं हुआ है इस अमेठी क्षेत्र में, जगदीशपुर एरिया में खासतौर से, न तो शिक्षा पे न तो स्वास्थ्य पर। जो भी सुविधाएं यहाँ भेजी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल यहाँ नहीं पहुँच पाती। हमारा विधायक बहुत कम एक्टिव है, बहुत सक्रिय नहीं है, एजुकेशन कम है उसके पास, ये शायद इसकी वजह हो सकती है। तो मतलब कि जो सरकार फंड भेजती है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ? बिल्कुल बहुत बुरी व्यवस्था है यहाँ पर। समस्याओं को लेकर आप लोग जाते हैं अपने विधायक के पास, जाते हैं? जी जी बिल्कुल जाते हैं, जो भी होता है उनसे बन पता करते हैं। बाकी लाइट बहुत अच्छी। जी जी, कि हमारी हाथ बंधे हुए हैं, यूपी में हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये विधायक का जवाब होता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये बताइए कि स्वास्थ्य का क्या हाल है यहाँ पर? सरकारी अस्पताल है जगदीशपुर में? वही वैसे बुरा हाल है जैसा होता था हर जगह। पर्ची लीजिए, पर्ची लगाइए, दवाई मिलनी, दवाई बाहर लेनी पड़ती है, दवाई यहाँ कभी मिलती नहीं अंदर। लेकिन यहाँ के सीएमओ है डॉक्टर आनंद ओझा, वो शायद निकल जाते हैं अपनी लाल बत्ती लगा के, कभी नीली बत्ती लगा, कभी रुकते भी नहीं यहाँ पे। इतनी गंदगी है, सब दवाई कमीशन लिखते हैं, टोटल जितने यहाँ डॉक्टर हैं सब दवाई कमीशन लिखते हैं, कोई कुछ नहीं। विधायक सुनते ही नहीं किसी की। अच्छा। वो अपना गाड़ी में अपना सीधा चढ़ाए हुए चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं कि विधायक अच्छे हैं, उन्होंने काम करने वाले हैं। हम भी रहे, आप जहाँ चौराहे दीजिए, जब चौराहे पे सबसे ज्यादा जाम यही लगता है, सबसे ज्यादा जाम यही लगता है। पार्टी नाम ही ले रहे हैं भाई। कुछ कुछ समस्याएं दूर हुई पिछले 5 सालों में? सर कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं दूर हुई सर, उस समस्या दूर नहीं हुई सर। सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं जगदीशपुर की, सबसे बड़ी समस्या क्या है जो खत्म होनी चाहिए? बिजली लाइट सर। रोड ठीक है यहाँ का? रोड क्या, गांव कुछ नहीं ठीक है सर, जो देखने में आज रोड भी चल रहे हैं, मैं रोड तो ठीक है सर, लेकिन गांव में हल्लो गांव में नहीं। अच्छा ये बताइए अपनी समस्याओं को लेकर आप लोग अपने विधायक के पास जाते होंगे? जाते सर, कुछ सुनते ही नहीं विधायक, कुछ नहीं सुनते सर। इस बार कैसी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? सर कैसी सरकार, मिली जुली सर संगठन का जो है, मिली जुली लड़ रहे हैं सर कांग्रेस और सपा, सर तो जो है सपा वाले सब कांग्रेस में जा रहे हैं सर, यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ नहीं रही है सर। आप बताइए जो विकास हुआ है, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर विकास के काम खूब हुए हैं, आपको लगता है कि वाकई में विकास हुआ है और उस काम से खुश हैं? अमेठी में राजीव जी के मरने के बाद कोई विकास नहीं हुआ, ये जो ये हकीकत है। उनके मरने के बाद सिर्फ नेता आते रहे जाते रहे, सरकारें आती रही जाती रही। ये जगदीशपुर अमेठी की एक पहचान थी राजीव जी के टाइम में, आज देख लीजिए आप खुद आपके सामने है। तो आपको लगता है कि जो पहचान थी उस टाइम में वो पहचान अब खो गई है? खत्म गई है, खो गई है, पहचान नहीं रह गई है, मजबूरी है लोगों के सामने बस। सरकार आएगी तब विकास होगा, जो इस नहीं नहीं सरकार बनती इस सरकार के काम पास से तब खुश नहीं है? बहुत खुश है, बहुत। अभी तो आप बोल रहे थे कि सरकार आएगी तब? नहीं, सरकार आएगी तो सौतेला व्यवहार हो जाए ना, यहाँ कांग्रेस की सरकार आई नहीं यूपी में, जब से राजू जी गए उससे ज्यादा किसने विकास किया है? किसी ने नहीं किया। आप ये बताइए कि जगदीशपुर, अगर जगदीशपुर की बात करें तो एक सज्जन बोल रहे थे कि कभी इसकी एक अलग पहचान हुआ करती थी जो पहचान खो गई है, आपके हिसाब से जगदीशपुर के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत जरूरी चीज है शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, तीन बुनियादी चीज है, इसके अलावा कोई चीज क्या होती? ये तीनों चीज अगर जो दे दिया, बुनियादी चीजों की आप बात कर रहे हैं, उन बुनियादी चीजों को लेकर यहाँ की सरकार और यहाँ के विधायक ने काम किया?
अब उन चीजों को वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं आप? यस सर। अच्छा, किस क्लास पढ़ते हैं? बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर। अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा की हालत यहाँ पर खराब है, आपको लगता है कि जो सुविधा एक छात्र को मिलनी चाहिए किसी भी जगह पर, वो सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? नहीं है सर, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है मैं बीएससी कर सकूँ, मुझे सुल्तानपुर जाना पड़ता है रोज। मतलब जगदीशपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से आपको सुल्तानपुर जाना पड़ता है? साइंस के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं यहाँ पे, एक कोई बीए का चलता है यहाँ पे, और साइंस के लिए कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए, और मेनली सर जो इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं वो जातिवाद और इस सब पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या, और एक बहुत अच्छी बात कही कि जातिवाद जो कि माना जाता है कि यूपी चुनाव में एक प्रमुख कह सकते हैं कि इसके बिना चुनाव हो ही नहीं पाता है, और इस चीज को लेकर जो एक यहाँ के छात्र हैं उन्होंने भी बात कही, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी बोलिए। ये पेशे से शिक्षक है, हम पेशे से शिक्षक है, जातिवाद और धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, देश के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए विकास के मुद्दे पर वोटिंग होनी चाहिए, ये हमारा ऐसा मानना है। जगदीशपुर के रहने वाले हैं आप? जी हम यहाँ ये रुदौली विधानसभा के रहने वाले हैं, यहाँ इस अमेठी जिले में हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं आप, चलिए ठीक है। पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, जो आपके विधायक ने वादे किए थे, वो सभी वादे उन्होंने पूरे किए? कुछ भी नहीं पूरे हुए। क्या क्या वादे किए थे? लाइट का वादा किए थे, उसके बाद रोड का वादा किए थे, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सबसे बुरा हाल तो हमारे यहाँ लाइट का है। कितने घंटे लाइट आती है? अभी तो फिलहाल 18 घंटे लाइट आ रही है 2-3 महीने से, बाकी तो चुनाव के वजह से, और नहीं 2-4 घंटे 5 घंटे। आप अपने विधायक के काम से खुश नहीं? जी नहीं बिल्कुल। चलिए ठीक है, सरकार की बात कर लेते हैं कि लोगों को किस तरीके की सरकार चाहिए, क्योंकि चुनाव होना है और हर किसी को यही उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार आए जो उनके लिए काम करे। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? अच्छी सरकार चाह रहे हैं, गुंडा राज ना हो, माफिया राज ना हो, शिक्षा वाली सरकार हो। अच्छा, आपने गुंडा राज की बात कही, क्या यहाँ अगर अपराध की बात करें तो क्या यहाँ पर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं? बता रहे हैं आपको, यहाँ ज्यादा बड़ी बात नहीं, यहाँ कोटेदारों से पूछ लीजिए, यहाँ गाँव में तेल नहीं मिलता। अभी एक भाई साहब बोल रहे, नहीं नहीं अभी ये भाई साहब, 6-6 महीने तेल नहीं मिलता, इन्हीं की सरकार की देन है ये। यहाँ अपराध की बात कर रहे हैं, क्या अपराध हो गया? अपराध हो गया, अपराध बस का ले जी। अपराध के मामले में हमारा एरिया पूरा अमेठी ही बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। जी मोहना में, हमारे गांव में मोहना में 11 हत्याएं हुई, अभी तक कोई भी उसका खबर नहीं लगा, कोई भी उसका सुराग नहीं लग पाया। अभी यहाँ बेचल के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने डकैती हुई, उसमें भी एक हत्या हो गई, उसका भी कोई सुराग नहीं लगा। थाने के बगल में, थाने से महज 500 मीटर दूरी या 100। अच्छा, जो प्रशासन दावे करता है या सरकार दावा करती है कि हमने अपराध पर लगाम लगाया है, हमने क्राइम को कंट्रोल किया है, आपको लगता है कि वाकई में हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ सरकार वादे करती है, क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है इस सरकार में। चलिए ठीक है, ये एकदम सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। क्राइम पे इस सरकार में कोई कंट्रोल रहा ही नहीं, ये ही एकदम सत्य है, और कोई बात नहीं। सरकार की जो बात करें, 6-6 महीने मिट्टी, सरकार की जो बात कर रहे हैं आप, 6-6 महीने यहाँ 3-3 महीने मिट्टी के तेल किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान को नहीं मिलता है। मालूम होता है कि वहाँ जामों से ही ब्लैक हो जाता है, कोटेदार आवाज नहीं उठा पाता, अधिकारी भी जो बैठे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वो भी नहीं आवाज उठा पाते, ये सरकार की दशा रही। और अपराध की जहाँ तक बात है, अभी इसी महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा जगदीशपुर में एक आदमी को 11 लाख रुपए के मारे, उसको गोली मारे, 11 लाख रुपए लूट किए। मोहना में 11 लोगों की सामूहिक हत्या हुई, उसमें कोई नहीं खुला। जगदीशपुर की बात करें तो काफी ग्रामीण इलाका भी आता है, सिंचाई की क्या व्यवस्था यहाँ पर? बहुत बुरी व्यवस्था है, बहुत बुरी व्यवस्था है। देखिए सिंचाई की व्यवस्था जहाँ देखा जाए, इस 5 वर्ष में विधायक जी ने करीब राजकीय नलकूप जिनकी कास्ट 25 लाख रुपए है, यहाँ लोग बोल रहे। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जी पानी नहीं है, विकास कोई नहीं है यहाँ पे, कोई विकास नहीं है, सरकार बस लूट मारी चाला चल रही है, करप्शन ज्यादा है, इसके इसमें सुधार होना चाहिए ना, और तो उसके बाद खुद ठीक हो जाएगा। हाँ जी, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यहाँ चुनाव में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नहीं नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकार वही चाहिए हमारे को, अच्छी सरकार चाहिए, चाहे जो यही मुद्दा है। लखनऊ में आधा काम अधूरा करके और उद्घाटन करा दिया, और सबसे सही सरकार
आज तक अभी हमको देखने को नहीं मिली इस उत्तर प्रदेश में। सब हर प्रशासन में करप्शन ज्यादा रहा, गरीब जनता परेशान हुई है। जगदीशपुर में पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ आपके हिसाब से? नहीं हुआ, 0%। किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, 0%। सब चोर बाजारी चल रहा है, सब चोर बाजारी है। अरे ये होना चाहिए ठीक, ईमानदार सरकार होना चाहिए, एक अधिकारी करप्शन कर, गरीब के सहायता होना चाहिए। चोरी बाजारी ज्यादा है, यूपी सबसे बदनाम है जी। और अच्छी सरकार हो यही सबसे बड़ी बात है, और क्या। रोजगार की बात कही, कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। रोजगार के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहाँ यहाँ रोजगार मिलता है या बाहर जाना पड़ता है? रोजगार के लिए कांग्रेस में जुगाड़ होना चाहिए जी, रोजगार के लिए कांग्रेस में जुगाड़ होना चाहिए, तब जाके बेरोजगारी जॉब मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, बात तो काफी समस्याएं हैं, और जैसा कि जगदीशपुर के लोग बता रहे हैं कि अपराध की बढ़ती घटनाएं भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि सरकार बार बार दावा करती है कि सरकार की तरफ से अपराध पर लगाम लगाया गया है, लेकिन जगदीशपुर के लोगों का कुछ और कहना है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनका यह भी कहना है कि सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम किया। हालांकि तमाम ऐसे लोग थे जो कि उन लोगों की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। तो जगदीशपुर से चुनावी घुमक्कड़ में बस इतना ही।